Assalamualaikum, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। आज है लाहौर में बहुत सारी सर्दी, तो मैंने भी जो है वो वेलवेट का जोड़ा पहना हुआ है, बाल शाल भी बंद कर लिए हैं। तो जी बड़ा मज़ा आने वाला है। आज का प्रोग्राम बहुत फनफुल, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से भाई हम तो दिल खोल के इनाम देने वाले हैं, आपका छुपा हुआ टैलेंट स्क्रीन पर लाने वाले हैं। तो जी अब आपको मैंने मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना, लोगों से जो हैं वो बहुत सारी बातें करनी है, उनसे पूछना है उनका फेवरेट कलर कौन सा है और सर्दियों में वो कौन से रंग का जो है वो मोस्टली जोड़ा पहनना पसंद करते हैं। मुझे सर्दियों में जो है वो डार्क कलर्स जो हैं वो पसंद आते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक डार्क कलर्स ज़्यादातर। चलिए जी, अब जो लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और जो लोग एम ही फिर रहे हैं, उनसे करते हैं ऐसे सवाल जिनके आने वाले नहीं हैं उनको जवाब। और आपको किसी भी किस्म की कोई बात शेयर करनी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, शो कब, कहाँ कहाँ, कैसे, क्यों, कुछ भी, तो आप जो है ये भी स्टार्ट में मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक चलता है IM अलीना हारून के नाम से। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और डेफिनेटली आई विल आंसर यू, और मैं देती भी हूँ लोगों को आंसर। तो आप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी बात कर सकते हैं। तो आए लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ओके, सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसके 3 दिल होते हैं? काफ़ी बड़ा होता है, अगली सा होता है। जिसके 3 दिल होते हैं? किसी के नहीं होते। पानी में रहते हैं, अपनी मदद करती है। पानी में रहता है, बड़ा सा होता है, पानी में रहता है, अगली सा होता है। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल कहाँ से अगली होती है? उसका एक दिल होता है, उसका दिल हाथी जितना होता है। ब्लू व्हेल का? अच्छा, ऑक्टोपस। राइट, क्लैपिंग करें। चले गाना सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज सॉन्ग डेडिकेट कर रहा हूँ मिस अलीना के लिए स्पेशली, क्योंकि आज ये बहुत प्यारी लग रही है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, वे मैं जाऊं वारी वारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हालत कर दी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। एक छोटा सा सॉन्ग है, ये बच्ची को देख के हमेशा मुझे याद आता है। दिल डूबा नीली आंखों में ये, दिल डूबा महबूबा महबूबा, बस ये जान ले महबूबा, आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इश्क में तेरे निंदा हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। थैंक यू। ये आपके लिए था। वेरी वेरी नाइस। और स्पेशली ये जो कैलाश खेर का जो आपने पहले गाना, उसमें लोग क्या करते हैं कि हमेशा उसको हाई वोकल्स पे गाते हैं, मगर आपने फर्स्ट टाइम उसको लो वोकल्स पे गाया। राइट, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मुझे लगता है इस गाने में डिफरेंट थिंग ये थी कि जो लोग ये गाना गाते हैं वो चीखते हैं इस गाने में, समथिंग लाइक चीखते हैं। उसने बहुत लो वोकल्स में गाया और बड़ा नाइसली उसको गाने को लेकर चले। आई थिंक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। हमें क्रिएटिविटी करनी चाहिए। किसी आर्ट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैरा। खदीजा। ये आपकी क्या लगती है? बेटी। बेटी लगती है। कितने बच्चे आपके? दो, एक बेटा। बेटा ओके, यहाँ पे हैं। चले जी, मुझे बताएं आज शॉपिंग करने आई हैं? जी बिल्कुल। क्या लिया? बच्चों की बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो उनकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, क्या उम्र होने वाली? इसकी 5 और इसकी 9। सेम मंथ में बर्थडे? जी 26। ट्विंस हैं? नहीं, मतलब 5 ईयर्स का गैप है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सेम बन रही है। वेरी नाइस। तो लड़ाई तो नहीं होती कि हमें अलग अलग दिन करनी है? नहीं, बहुत खुश होते हैं माशाल्लाह। चलें, मुझे बताएं, इसी से रिलेटेड सवाल कर लेती हूँ, वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग एक ही दिन में अपनी सालगिरह मनाते हैं? लाइक पूरी उस मुल्क के जो लोग हैं ना, उनकी हुकूमत की तरफ से है कि उनको सिर्फ एक दिन दिया जाता है जहाँ पे लोग आते हैं और अपना अपना केक काटते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, कोशिश करें ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सेम ही है, मुझे तो हर मुल्क में बर्थडे तो सेम ही डे पे होती है। पूरे मुल्क की बर्थडे? अच्छा, आप एक ही दिन केक कटेगा? वो काटने नहीं देते, बनता ही नहीं है वहाँ। स्पेन? नो। वी से नाम है? वी से? वी से कंट्री। चले, क्या सुनाएंगी? मैं आपको रेसिपी शेयर करूँ? मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। शामी कबाब की स्पेशल रेसिपी ये है कि जब आप चिकन और दाल को इकट्ठा बॉईल करें, जब आप बॉईल कर लें तो उसके अंदर आप उसको जब चॉप करेंगे, उसमें आप बेसन भून के और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 अंडे डाल दें और उसको शामी कबाब बना के फ्रीज करें, उसको फ्राई करें। बहुत टेस्टी बनते हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। वेरी नाइस। और आप? 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Very nice बेटा। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके वेलकम जी। पोइम सुनी हमने, लेकिन इसमें तो खैर ये पोइम बहुत लंबी है। आई थिंक बच्ची ने इसका जो है वो शॉर्ट वर्जन निकाला है, वरना तो ये मंकीज जो है वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। चले जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद सरफराज खान। क्या आपका नाम? चले जी, क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। हाँ, वकील तो हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? कोई शौक है? गेम्स वगैरह? क्रिकेट खेल लेते हैं। चले, सवाल करते हैं आप। मुझे बताएं, वो क्या चीज़ है जो आपके हाथ में हो फिर भी आपके हाथ खाली होते हैं? विजिबल चीज़ है, वो चीज़ हम बाजार से ख़रीद के लाते हैं, मुख्तलिफ रंगों में होती है, लेकिन हाथ आपके खाली कहलाएंगे। ग्लव्स। अरे वाह, तालियां बजाएं अपने लिए। क्या सुनाएंगे? मैं कौम को मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा जो हमारा कानून है, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए बना है, और इस पे अमल करके, इस की पासदारी करके हम सब लोग आगे जा सकते हैं। और ये जो हमारे सारी क्राइसिस की वजह है, सिर्फ यही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अगर कानून की पासदारी करें तो हम सारे इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिलें तय कर सकते हैं। सर, आप क्या सुनाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जल्दी सुना दो बेटी, जल्दी सुना दो। ट्विंकल लिटिल स्टार। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। और न्यूज़ की तरफ से आपसे लेकर जी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी नहीं आई इसको यार, बच्ची को। बड़ी क्यूट बच्ची थी। क्या करें, आपको ट्विंकल ट्विंकल तक नहीं आती तो आप कहाँ बैठे हुए हैं? जिसको ट्विंकल नहीं आती हो भाई, ट्विंकल तो हर बच्चे को आती है। पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले बोलता है ट्विंकल। मुझे तो ये लगता है। सामने का। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम हैदर शाह नाम है मेरा। मेरा नाम कायनात। कौन सी क्लास में हो? 4। आप? मैं 10th में। ओके, बहन भाई हो? जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 9। मेरी 18। माशाल्लाह, दोनों की हाइट बहुत लंबी है ना। चलो, बाबा मामा से कौन ज़्यादा लंबा? मैं। बाबा मामा में से दोनों में से कौन लंबा है? पापा। 6 फीट। आई डोंट नो कितनी है बाबा की हाइट। चलो जी, सवाल करते हैं। हमारे हाथ की जो 50% पावर है वो हमें किस फिंगर से मिलती है? नो। फिंगर? नो। क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाऊंगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। बहुत अच्छी आवाज़ आपकी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर कसी गिर गई काम ही कर गई, आँख ऐसी लड़ाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। वेरी नाइस। कभी भाई ने मारा है? नहीं। और आपने? नहीं। पक्का? लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत प्यारे बहन भाई थे और लड़के की आवाज़ बहुत शानदार थी। ऐसे टैलेंट को जो है वो ज़रूर आगे लाना चाहिए। और भूजो तो जीतो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे जो है वो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, ख़ुद को मनवा सकते हैं। तो यकीनन आई थिंक आज का टैलेंट ऑफ द डे जो है वो यही होगा। या लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। का नाम? अस्का नदीम। नादिया, क्या करते हो आप? जॉब करते हैं। चलो जी, सवाल करें जी। मुझे बताएं, एक बाप ने अपने बच्चे को एक गिफ्ट दिया और उसे कहा बेटा जब प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना और ठंड लगे तो जला लेना, वो क्या चीज़ थी? कोकोनट। कोकोनट। आओ क्लैपिंग करें इनके लिए। वेरी नाइस, यू आर द ओनली वन जिसने आंसर दिया। क्या सुनाएंगे? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की नकीरों से। दोनों फ्रेंड्स हो या बहने हो? फ्रेंड्स। फ्रेंड जो बड़ा प्यार है, हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे के। और आप क्या सुनाएं? मैं हेयर एडवाइजेस दूंगी। आजकल की जो लड़कियां ना उनको बहुत प्रॉब्लम है। वैसे भी आपको पता है विंटर चल रहा है कि हेयर में ना बहुत ज़्यादा ना वो प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हैं, डैंड्रफ की, और बाल बहुत टूटते हैं। लाइक मुझे भी आजकल ये प्रॉब्लम जा रही है। एक है आलमंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके ना उसका वो बना के ना मिक्सचर अगर आप सर पर लगाएं ना तो ईजी रहता है, इंसान बालों में जो प्रॉब्लम होती है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू जी। इन्होंने जो है आपको टिप दी, पहले तो डैंड्रफ के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में डैंड्रफ का इशू होता है। अस्सलाम वालेकुम। नाम? काशिफ। मुतिबा। बिलाल। कौन सी क्लास? 3। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। कौन सी क्लास में? चले, मुझे बताएं लोग सबसे ज़्यादा सफ़र किस सवारी पे करते हैं? मोटर बाइक। नो। उससे भी ज्यादा। हर एक के पास मोटर बाइक नहीं है। साइकिल। नो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सफर लोग किस सवारी पे करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नो। बहुत सारी सवारी हैं, उनमें से किसी एक का नाम है। यानी क्या चला? सॉरी। मैं मैसेज दूंगा। मेरा मैसेज ये है अपने दोस्तों को, पाकिस्तानी कौम को, कोई शख्स अच्छा या बुरा नहीं होता। हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, हम बुरे हैं तो सब कुछ बुरा है। थैंक यू सो मच। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. What's above the what's so high like a diamond in the sky. ये points नो? आलू चक्का लुमिया कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे. नीला तुम्हारी रो रहे थे. गाजर ने प्यार किया, हंस पड़े थे. मटर से कीड़ा निकला, डर गए थे. कीड़े ने भाव किया, भाग गए थे. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. थैंक यू जी. आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? कहाँ गए थे वैसे आलू मियाँ? चले जी, बहुत अच्छी पॉइंट. सुनिए किसी और से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम? एहसन. क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं. चले मुझे बताएं, आपसे मेरा सवाल है, वो क्या चीज़ है जो आपके हाथ में होने के बावजूद आपके हाथ खाली होते हैं? विजिबल चीज़ है, बाजार से खरीदते हैं, रंग बिरंगे कलर में मिलती है, मगर आपके हाथ खाली कहलाएंगे. पैसे खाली कहलाएंगे. पैसे होते हैं हाथ में. जब खरीदारी कर ली तो फिर उसके बाद बात नहीं ना. हाथ में है. हाथ में है. क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाएंगे. पूरा सुनाइए. ओके. बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया. अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो. भरी बरसात में पी लेने दो. मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है. हो आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो. मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो. अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो. भरी बरसात में पी लेने दो. आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है. हो आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है. हो आज की शाम ढलेगी कैसे, हाँ आज की रात कटेगी कैसे. आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की. मुझे ये आग भी पी लेने दो. अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो. भरी बरसात में पी लेने दो. वेरी नाइस. अच्छा, गाने पूरे पूरे याद कैसे करते हो? बस शौक है. अच्छा, गुलकारी का शौक है. ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू. वेलकम जी. हमेशा ही ये जो है वो बहुत अच्छा गाना हमें सुनाते हैं, मगर बात ये है कि कोई गलती नहीं होती और पूरा पूरा जो है वो गाना याद होता है. आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग. जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ. लेट्स हैव अ ब्रेक.